देश के कई इलाकों से आदिवासी आज दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। लड़ाई है जल जंगल और जमीन की। बीजू कृष्णन जी हमारे साथ AIKS के नेता हैं। आज जो ये जमावड़ा है आदिवासियों का, ये क्या इसकी वजह है और क्या मांग लेकर आप लोग आए हैं और ये लोग आए हैं? लगातार हमारे देश के जो आदिवासी लोग हैं उन पर हमला इस देश में चल रही है। 2014 के बाद ये हमले बढ़े हैं और कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जो वनाधिकार कानून है उसके खिलाफ एक ऑर्डर देते हुए जो लाखों लोग वन में रहते हैं आदिवासी और जो परंपरागत तरीके से वनों में रहते आए हैं उनके ऊपर एक हमला कहते हुए लगभग 23 लाख परिवार को भूमि उनका जो वन अधिकार छीनते हुए बाहर करने का बेदखल करने का एक ऑर्डर भी आया था। उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ और अभी आने वाले 26 को फिर से उस पर सुनवाई है। इसमें केंद्र सरकार जो है इस कानून के पक्ष में नहीं खड़े होके इस जो उच्चतम न्यायालय में बिल्कुल कोई आदिवासियों के हक के हित में कुछ बात नहीं रखे उसके खिलाफ भी एक गुस्सा जाहिर करने का बात है। और वन कानून जो है उसमें कुछ संशोधन करते हुए अमेंडमेंट्स ले आए थे। ये जो अमेंडमेंट आप बता रहे हैं ये कौन किस सरकार में आया था और अभी उसकी क्या स्थिति है? ये BJP सरकार ले आई और अभी क्योंकि झारखंड चुनाव है तो उनको डर भी है कि आदिवासी जो आंदोलन चल रहे हैं इतना बड़ा संघर्ष है तो उसका नुकसान चुनाव में होगा, तो चुनाव घोषित होने से जस्ट पहले वो ये बताए कि ये जो अमेंडमेंट है इसको पीछे लेने वाले हैं। ये सिर्फ एक धोखा है, ये लोग आगे भी चुनाव के बाद फिर इसको ले आएंगे। अभी जो वनाधिकार कानून है उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है प्रभावी रूप से लागू नहीं है? नहीं, जो वनाधिकार कानून 2006 वाला फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो अगर सही ढंग से लागू हो तो इनको वनाधिकार का पट्टा मिलना था, ये नहीं हो रहा है। बहुत से राज्य है जहाँ काफ़ी लोग इसमें अप्लाई किए हैं उनका पर इसको खारिज किया गया है, उनको बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण महाराष्ट्र जहां लॉन्ग मार्च हुआ था, हजारों लोग उसमें चले, उसमें वादा भी किया गया, उसके बावजूद जो एप्लीकेशंस है उसको पूरा का पूरा ये सरकारें जो है उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बात करने के लिए। तो ये तमाम आदिवासी और इनके नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि सरकार पर वो अपने अधिकारों के लिए दबाव बना सके, वो अधिकार जो सरकार इनसे छीनने की कोशिश कर रही है जैसा ये आरोप लगातार लगा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।